हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट के बारे में तो अधिकतर लोग जानते ही होंगे, फिर भी आपको बता दें कि यह किसी भी देश की सरकार द्वारा जारी वह दस्तावेज होता है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसकी राष्ट्रीयता को प्रमाणित करता है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकता है। ऐसा करना गैरकानूनी होता है और इसके लिए उसे कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। भारत में सामान्य नागरिकों को ब्लू रंग का पासपोर्ट इशू किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीले रंग के अलावा मैरून, सफेद और नारंगी रंग के भी पासपोर्ट होते हैं? इन अलग अलग रंगों के पासपोर्ट का क्या मतलब होता है और किन लोगों को किस रंग के पासपोर्ट इशू किए जाते हैं, आइए जानते हैं। नीले रंग का पासपोर्ट। भारत के आम आदमी को नीले रंग का पासपोर्ट जारी किया जाता है। ये कस्टम, इमिग्रेशन अधिकारियों और विदेशों में अन्य अधिकारियों को आम आदमी और भारत के उच्च रैंक वाले सरकारी अधिकारियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति की तस्वीर, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पता और हस्ताक्षर वगैरह दर्ज होता है। सफेद रंग का पासपोर्ट। सफेद रंग के पासपोर्ट का मतलब है कि धारक सरकारी पदाधिकारी है। ये गवर्नमेंट ऑफिशियल को इशू किया जाता है और उनकी आइडेंटिटी दर्शाता है। इनमें वे लोग होते हैं जो कि सरकारी कामकाज से विदेश यात्रा पर जाते हैं। कस्टम चेकिंग के वक्त उनके साथ उसी तरह सम्मान से पेश आया जाता है। मैरून रंग का पासपोर्ट। मैरून रंग का पासपोर्ट भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाता है जो विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। सामान्य पासपोर्ट से अलग रखने का उद्देश्य ही इसकी विशेष पहचान स्थापित करना है। खास बात ये है कि ऐसे पासपोर्ट धारी पर विदेशों में मुकदमा दर्ज करना आसान नहीं होता है। इसके लिए एक बड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है। आम लोगों की तुलना में ऐसे पासपोर्ट धारी को किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती है। इन्हें इमिग्रेशन में भी कम समय लगता है और भी कई सुविधाएं मिलती है। नारंगी रंग का पासपोर्ट। भारत ने ऑरेंज कलर का पासपोर्ट भी निर्धारित करने की घोषणा की थी, जो ऐसे लोगों को इशू किया जाएगा जो केवल 10वीं कक्षा तक ही पढ़े होंगे। उन्हें दिशा निर्देशों को समझने के लिए किसी की सहायता चाहिए होती है। इस पासपोर्ट पर भी धारक के विषय में जानकारी दर्ज होती है। आइए अब बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू या ताकत कितनी है। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग के मुताबिक पिछले साल की तुलना में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग सुधरी है। 199 देशों की सूची में पहले भारतीय पासपोर्ट 90वें स्थान पर था, लेकिन नई रिपोर्ट में ये रैंकिंग सुधरकर 83वें स्थान पर पहुँच गई है। भारतीय पासपोर्ट की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि बिना वीजा भारतीय पासपोर्ट से 60 देशों की यात्रा की जा सकती है। हेलने की इस लिस्ट में सबसे ताकतवर पासपोर्ट सिंगापुर और जापान का है। इस पासपोर्ट के आधार पर 192 देशों की बिना वीजा यात्रा की जा सकती है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज हब हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।